कहा जाता है कि कलयुग में भगवान का नाम लेने मात्र से मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। जब किसी को इस बात की जानकारी मिलती है तो वो आस्था के रास्ते पर चलना शुरू कर देता है। उसने जिंदगी में जो जो पाप किए हैं वो उसके जेहन में ताज़ा होने लगते हैं। जिंदगी की सबसे बड़ी उपलब्धि मोक्ष ही है और मोक्ष तक पहुँचने का एक आसान रास्ता चार धामों की यात्रा है। हिंदू धर्म ग्रंथों में बद्रीनाथ, द्वारका, जगन्नाथपुरी और रामेश्वरम को चार धाम माना गया है। वैष्णव समुदाय के सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ जगन्नाथपुरी को पुराणों में धरती का वैकुंठ कहा गया है। ब्रह्म और स्कंद पुराण के अनुसार पुरी यानी कि उड़ीसा में भगवान विष्णु ने पुरुषोत्तम नीलमाधव के रूप में अवतार लिया था। विश्व भर में प्रसिद्ध इस मंदिर के बारे में कुछ ऐसी बातें हैं जो बहुत ही आश्चर्यचकित करती हैं, तो आइए आपको बताते हैं इस दिव्य स्थल से जुड़ी हुई कुछ ऐसी ही चमत्कारी बातों के बारे में। पहला, हवा के विपरीत लहराता हुआ ध्वज। जगन्नाथ मंदिर में शीर्ष पर लहराने वाला ध्वज यानी कि झंडा हवा की विपरीत दिशा में लहराता है। ऐसा क्यों होता है, इसका जवाब विज्ञान के पास भी नहीं है। दूसरा, सामने नजर आता है सुदर्शन चक्र। मंदिर के शीर्ष पर अष्ट धातु से निर्मित पवित्र सुदर्शन चक्र लगा हुआ है। इस चक्र की बनावट ऐसी है कि आप इसे जिस भी दिशा में देखें ये आपकी तरफ ही मुंह किए हुए नजर आएगा। तीसरा, सिंह द्वार का चमत्कार। जगन्नाथपुरी के सिंह द्वार के भीतर कदम रखते ही आपको समुद्र की लहरों की आवाज़ सुनाई देनी बंद हो जाती हैं, और जैसे ही आप इस द्वार के बाहर एक कदम रखते हैं आपको वापस से ये आवाज़ सुनाई देने लगती हैं। चौथा, गुंबद पर नहीं बैठते पक्षी। आपने कई मंदिरों में गुंबदों के ऊपर पक्षी बैठे हुए या उड़ते हुए देखे होंगे, लेकिन जगन्नाथपुरी के गुंबद के ऊपर आज तक कोई पक्षी उड़ता हुआ या बैठा हुआ नहीं देखा गया है। और तो और, इस मंदिर के ऊपर से विमान भी नहीं गुजरते हैं। पांचवा, नहीं बनती है छाया। 7वीं सदी में बनाए गए इस मंदिर का निर्माण इस तरह से बनाया गया है कि किसी भी वक्त इसके गुंबद की छाया नहीं बनती है। छठा, दुनिया का सबसे बड़ा रसोई घर। जगन्नाथ मंदिर का रसोई घर दुनिया का सबसे बड़ा रसोई घर है। इस रसोई घर में 500 रसोइये और 300 सहायकों के साथ खाना बनाते हैं। सातवां, ऊपर वाले बर्तन का भोजन पकता है पहले। मंदिर में प्रसाद पकाने के लिए लकड़ी से आग जलाकर एक के ऊपर एक मिट्टी के 7 बर्तन रखे जाते हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि सबसे ऊपर रखे हुए बर्तन का प्रसाद सबसे पहले पक जाता है, उसके बाद धीरे धीरे ऊपर से नीचे की तरफ बर्तनों का प्रसाद पकता जाता है। आठवां, कम नहीं पड़ता प्रसाद। इस मंदिर में बनने वाला प्रसाद कभी भी भक्तों के लिए कम नहीं पड़ता है। भले ही ये 1000 लोगों के लिए ही क्यों ना बनाया गया हो, लेकिन इससे लाखों लोगों का पेट भर सकता है। मंदिर के पट बंद होते ही ये प्रसाद खत्म भी हो जाते हैं। नौवां, रोज बदला जाता है ध्वज। इस मंदिर के 45 मंजिला शिखर पर लहराने वाला ध्वज हर दिन बदला जाता है, और ऐसी मान्यता है कि अगर इसे एक दिन भी बदला गया तो मंदिर का द्वार हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। दसवां, हवा भी चलती है उल्टी। सामान्यतः ऐसा होता है कि दिन के समय हवा समुद्र से जमीन की तरफ चलती है और शाम के दौरान इसके विपरीत, लेकिन पुरी में इसका उल्टा ही होता है। नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल की रिपोर्ट।